गुड मॉर्निंग टू ऑल. सो नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. ये आपका सेकेंड यूनिट का पोर्शन है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. सो बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज़ द एंटायर सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अगरिंग इन द लिविंग सिस्टम. ठीक, जितने भी आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल सिस्टम में ओवरऑल सेट होता है केमिकल रिएक्शन का, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म. ये भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, वन इज कैटाबॉलिज्म एंड द सेकेंड वन इज एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज व्हेन द लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड देन जनरेट द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म. मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है वो टूटते हैं एंड दे फॉर्म दे ब्रेकिंग इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड देन एनर्जी रिलीज करते हैं, उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म. और जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एनाबॉलिज्म. ठीक, तो ये जनरल सा एक इंट्रो था कि मेटाबॉलिज्म में होता क्या है. नेक्स्ट आता है जो आपका टॉपिक है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. सो बेसिकली यू ऑल नो दैट द कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. सबसे बड़ा सोर्स होता है एनर्जी का कार्बोहाइड्रेट आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में, न्यूट्रिशंस में. कार्बोहाइड्रेट से ही सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है. सो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन आप पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियोज़ में या क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हो कि कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप्स में क्लासीफाई होता है, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, डाईसेक्राइड. ठीक, तो जो मोनोसेक्राइड, डाईसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में कैटेगराइज्ड होता है उसमें भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, माल्टोज, लैक्टोज. तो डिफरेंट डिफरेंट वो उनके स्ट्रक्चर पे, उनके नेचर पे बेस्ड होता है कि वो किस कैटेगरी में जाते हैं. तो बेसिकली जो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है मोनोसेक्राइड, दैट इज़ ग्लूकोज. आप सबको पता है कि ग्लूकोज इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज यूज फॉर योर बॉडी. ठीक, आपकी बॉडी को वर्क करने के लिए, आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को फॉर्म करने के लिए, केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए ग्लूकोज सबसे बड़ा सोर्स होता है, जो कि रोल प्ले करता है एनर्जी सोर्स का. ठीक, तो जितनी भी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली ग्लूकोज से ही कनेक्टेड होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, ग्लूकोनियो ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया. मीन्स जितने भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड रिएक्शंस होती हैं उसमें ग्लूकोज कंपलसरी होता है. किसी में ये ग्लूकोज बनते हैं, किसी में ये टूटते हैं, कन्वर्ट होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं. तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कौन सी रिएक्शन हो रही है. ठीक, ये कुछ मेटाबॉलिक पाथवे हैं जिनके थ्रू आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिज्म होता है. जैसे फोटोसिंथेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये कुछ पाथवे हैं मेटाबॉलिज्म के जिनके थ्रू आपकी बॉडी एनर्जी को कंज्यूम करती है, उसको यूटिलाइज करती है और दोबारा से प्रोड्यूस करती है. सो नेक्स्ट आता है ग्लाइकोलाइसिस. ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन. ठीक, कोई भी चीज, कोई भी आपका पाथवे हो गया या फिर कोई भी रिएक्शन होगी, अगर उसमें लाइसिस वर्ड यूज़ हो रहा है दैट मीन्स कि उसमें ब्रेक डाउन हो रहा है. ग्लाइको मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू पाइरूवेट, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. सिंपल सी चीज़ है, ग्लाइकोलाइसिस इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट. अब ये ब्रेक डाउन किस लिए होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपकी बॉडी क्यों ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज का पाइरूवेट में? क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये डायरेक्टली ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं कर सकती है. ये बॉडी एनर्जी एनर्जी कंज्यूम करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये एटीपी रिलीज होता है आपका ग्लूकोज से, क्योंकि ग्लूकोज में फॉस्फेट्स ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. ये कन्वर्ट होते हैं पाइरूवेट में, पाइरूवेट से फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है और एटीपी रिलीज होती है जो कि आपकी बॉडी कंज्यूम करती है. ठीक, ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट भी होती है और डिपेंडेंट, मतलब ये दोनों
के केस में हो सकती है। एरोबिक एनारोबिक, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। सो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस बोथ केसेस में एप्लीकेबल होती है, क्योंकि इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एरोबिक कंडीशंस में भी मींस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ये पाथवे कंटिन्यू कर सकते हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, फिर भी ये पाथवे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, तो इसको ईएमपी पाथवे भी बोल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाता कि व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस और डिफाइन द पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है डिफाइन द पाथवे ऑफ ईएमपी पाथवे। तो दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस। प्रोसेस क्या है, ये 10 स्टेप्स की प्रोसेस होती है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिए, कोई भी पाथवे या प्रोसेस आप पढ़ रहे हो तो उसमें 3 चीज़ें ही आपको पढ़नी है। एक उसका पाथवे कि वो कैसे कैसे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, उसमें कौन कौन से एंजाइम वर्क कर रहे हैं, और सेकंड है उसका सिग्निफिकेंस। सेकंड है उसका सिग्निफिकेंस और बायोएनर्जेटिक्स की कितना एटीपी कंज्यूम हो रहा है या कितना एटीपी उसमें यूज हो रहा है। ठीक, तो ये 10 स्टेप्स की प्रोसेस होती है, 2 फेज में होती है। फर्स्ट फेज में क्या है, फर्स्ट फेज में फॉस्फोराइलेशन होता है, मींस ग्लूकोज कन्वर्ट होता है G3P, दैट इज ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, सो फर्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इंटू G3P। अच्छा, एक चीज़ इसमें यह भी है कि अगर आपको लॉन्ग फॉर्म याद नहीं हो रही है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हो, जैसे ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट थोड़ा है डिफिकल्ट, तो उसको G3P शॉर्ट फॉर्म में। कैसे होती है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। ये स्टेप ही आपको याद रखने हैं, अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो इसी को वर्ड के फॉर्म में लिखना है, अगर आपको ये चार्ट के फॉर्म में याद करना है तो ये चार्ट के फॉर्म में याद कीजिए। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट या F6P कन्वर्ट होता है F16-डाईफॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। नेक्स्ट, ये फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट कन्वर्ट होता है एक एल्डोज फॉर्म में, एक कीटोज फॉर्म में, एल्डोज फॉर्म में G3P एल्डोज फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एंड द सेकेंड वन है डाई हाइड्रोक्सी एसीडोन फॉस्फेट जो कि कीटोज फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इस कीटोज फॉर्म को अगेन ट्राई आइसो फॉस्फेट आइसोमेरेस एंजाइम की प्रेजेंस में G3P में ये कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली आपको क्या चाहिए, G3P ही तो चाहिए, तो एक एल्डोज फॉर्म में G3P कन्वर्ट हो रहा है, मींस आपको मिल रहा है ग्लूकोज से, एंड द सेकंड वन इज G3P के 2 मॉलिक्यूल्स कीटोज फॉर्म में मिल रहे हैं। ये जो कीटोज फॉर्म में मिलने वाले G3P मॉलिक्यूल्स है, यही आपको फर्दर आगे फेज 2 रिएक्शन के लिए यूज़ करना है। ठीक, तो ये फेज 1 की प्रोसेस है कि ग्लूकोज से G3P में कन्वर्जन हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका फेज 2। फेज 2 में क्या होता है कि G3P कन्वर्ट होता है आपका लैक्टेट में, पहले पाइरूवेट में होगा देन लैक्टेट में होगा, यहीं से आपका ATP का जनरेशन होता है। तो G3P के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं कीटोज फॉर्म में प्रेजेंस है, वो कन्वर्ट होते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, दैट इज G3P डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल फॉस्फेट, शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो 3PGP। ठीक, ये कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरॉल काइनेज की प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, यहीं से फर्स्ट एनर्जी आपकी ATP
यूज होती है, कन्वर्ट होती है और यूज होती है। नेक्स्ट ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, म्यूटेज की प्रेजेंस में 2-फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। इनोलेज एंजाइम्स हैं, ये जो बीच बीच में दिख रहे हैं आपको एंजाइम्स हैं, इनकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है पाइरुवेट, एंड देन पाइरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये पाइरुवेट देन अगेन कन्वर्ट होता है 2-लैक्टेट में, जहाँ से सेकेंड एटीपी जनरेट होती है। तो जनरली आपकी जो ओवरऑल प्रोसेस है वो ग्लूकोज से पाइरुवेट में कन्वर्जन की है। लैक्टेट इसलिए आपको एक्स्ट्रा बताया गया है क्योंकि इससे सेकेंड एटीपी जनरेट हो रही है। ठीक, अगर आपको ग्लाइकोलिसिस की पाथवे आती है तो आपको ये 2 फेज की पाथवे पूरी की पूरी डिफाइन करनी है कि ग्लूकोज से पहले G3P में कन्वर्जन होता है, देन G3P से पाइरुवेट में कन्वर्जन होता है और यहाँ से ATP रिलीज होती है। नेक्स्ट आता है आपका एनर्जेटिक्स या बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स इसमें फर्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है, सिक्स स्टेप, सेवन्थ स्टेप और टेंथ स्टेप में जो जो रिएक्शंस हो रही हैं उसमें जितने भी एंजाइम यूज़ हो रहे हैं और कितना ATP कंज्यूम हो रही है और कितना ATP यूटिलाइज फॉर्म हो रही है, उन दोनों का एड अप करते हैं, लास्ट में आपको पता चल जाता है कि कितनी ATP इसमें यूज़ हो रही है और कन्वर्ट हो रही है। द लास्ट वन इज सिग्निफिकेंस, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या यूज़ होता है। ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे होती है जो एनर्जी को एनर्जी प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस आपकी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की सबसे पहली प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ATP रिलीज होती है, फॉर्म होती है और यूटिलाइज होती है। ये एसेंशियल होती है एरोबिक एनारोबिक दोनों कंडीशंस में हो सकती है, दोनों रेस्पिरेशंस के लिए एसेंशियल होती है। पाइरुवेट जो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, फाइनली आपका प्रोडक्ट पाइरुवेट यूज़ हो रहा है, वो फर्दर मेटाबॉलिक पाथवे में यूज़ होता है। द वेरियस इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग ब्रेकडाउन स्टेप्स आर डिराइव्ड डाइवर्टेड फॉर वैरायटी ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल प्रोसेस। मीन्स इसमें बीच बीच में जितने भी ब्रेकडाउन के बाद कुछ कुछ स्टेप में, जैसे G3P में कन्वर्ट हुआ तो ये G3P या G6P यूटिलाइज होता है फॉर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। मीन्स इसमें जो बीच बीच में आपका ब्रेकडाउन के बाद कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो फर्दर दूसरी मेटाबॉलिक पाथवे के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। तो ये कुछ जनरल सिग्निफिकेंस है थोड़े बहुत। जनरली आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो पाथवे है, कि आपको पाथवे याद करना है कि कौन कौन से ऐसे स्टेप होते हैं जो यूज़ कर सकते हो आप, जो यूज़ होते हैं, कर सकते हो नहीं, जो यूज़ होते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज या कोई भी फर्दर मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है,